ग्लास खाली रखा हुआ है मोहम्मद तौहीद जी भाई, इसमें भरेंगे, उससे भरेंगे। और आज हम लोग जो इफ्तार जो है रूम पर ही करेंगे, बाहर नहीं जाना। उधर बन रहा अपना फ्रूट क्रीम, एक किलो अगर खराब ना रहे थे। चाचा आटा रहता ना, मैदा नहीं है, सिर्फ आटा है। मोहम्मद तौहीद सारे ग्लास खाली रखा हुआ है मोहम्मद तौहीद जी भाई, इसमें भरेंगे, उससे भरेंगे। ये तो ठंडी एकदम नॉर्मल लेके आओ। तो गाइस सुबह सुबह पता नहीं कैसे मेरा माइक मुझे धोखा दे दिया और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जो मैं सहरी के लिए उठा तो मैं पहले खाया खजूर, उसके बाद पिया शहद, उसके बाद फिर मैं पिया पानी, फिर गया नमाज पढ़ने के लिए। धन्यवाद। आज वक्त पर आ गए, अभी जमात नहीं खड़ी हुई है। Assalamu alaikum guys, this is Aqib Nadeem, you're watching me on channel Ayan Khan, I'm back again with a brand new vlog. Welcome to the 22nd day of Ramadan. Aaj last second Friday, iske baad jo Friday aayega wo alvida hoga, uske baad fir Eid. Aaj fajr ki namaz mein late nahi hua. Jaise azan hui sunnat padha hu, room pe bhag gaya hu, ekdam exact time pe pahuncha hu, 2 minute baad fir jamaat khadi hui hai. Ye surah al-anfal ki आयत नंबर 20 है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह की मानो और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, मतलब कि दोनों की इताअत करो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मत मोड़ो, मतलब मुंह मत फेरो, व्हाइल यू आर हियरिंग, जब वो कुछ बोल रहे हैं और तुम सुन रहे हो तो। अब ये सहाबा के वक्त का था, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के लोगों को बता रहे हैं कि जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बता रहे हो तो मुंह मत तुमसे फेर लो, उसको ध्यान से सुनो, और उनके तरह मत बन जाओ जो बोलते हैं, वी हैव हर्ड, हमने सब सुन लिया, बट दे हियर नॉट, मगर असल में वो कुछ सुनते नहीं है। आज के ज़माने में इस वर्स का एप्लीकेशन इस तरीके से होगा कि अगर हमको कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताता है, हक बात बताता है, कुरान की कोई बात बताता है, मगर हमें वो इंसान पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे मुंह मोड़ लें, मगर सुन लें, क्यों? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत होनी चाहिए कि अगर किसी इंसान को हम पसंद ना भी करें, फॉर एग्जांपल हमारे मसलक का वो नहीं होता है, लोगों ने बोला हुआ कि उनकी बात मत सुनो, ऐसा वैसा, जिस हिसाब से हमारी सोच होती है, ख्यालात के हिसाब से सामने वाला नहीं होता है, तो हम उसकी सुनना ही नहीं पसंद करते, मगर वो अल्लाह और उसके रसूल की कई बार होता है हक बात ही बताता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाया तो उसको ध्यान से सुनो, मुंह मत फेर लो। ऐसे आज के जमाने में भी अगर कोई आपको कोई सही चीज बताता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताता है, तो सुन लो, वो बात की बात है, फिर आप उस पर अमल करते हो नहीं, मगर बेहुरमती मत करो कि मुंह मोड़ दो उससे। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, ऐ ईमान वालों अल्लाह को धोखा मत दो, ना कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ना ही किसी जो हमारी अमानतें हैं उनको जानबूझकर धोखा दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज कोई रख देता है भरोसा करके कि इसका हिफाजत करना, इसकी देखभाल करना, या कोई भी चीज, हमारे घर वाले, अमानत में सब कुछ आता है, दोस्त यार ये सब आता है, हमने कोई वादा किसी से कर लिया, उन सब की हिफाजत करना है, जानबूझ के धोखा नहीं देना। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं धोखा देना, उनकी इताअत करनी है, और उनके बंदों को भी, हुकूक की भी, चीज़ों की भी। एंड नो दैट योर पोजिशन एंड योर चिल्ड्रन आर बट अ ट्रायल, और ये जानकर रखो कि तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी चीज़ है, मतलब अल्लाह ताला ने जो भी तुमको फजल, मतलब कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी तुमको दिया हुआ है अपनी रहमत से, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, आज के ज़माने में गाड़ी, घर, जो कुछ भी है, ये तुम्हारे लिए क्या है, फितना है, मतलब एक इम्तिहान है। दैट श्योरली विद अल्लाह इज अ माइटी रिवॉर्ड, अगर अल्लाह के पास जो है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। हमारे पास अगर कोई चीज़ है यहाँ दुनिया में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो वो इसका मतलब है नहीं हमसे खुश अल्लाह ताला बाकियों से ना खुश है, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बस उसको ये मान के चलो कि वो इम्तिहान है हमारे लिए, हमको उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लें और अल्लाह को खुश कर लें, राज़ी कर लें, क्योंकि कयामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा अज्र देगा, उसके सामने दुनिया में जो चीज़ें हमें मिली हैं वो कुछ नहीं रहेंगी। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं लेट में सोया और फिर लेट में उठा, तो उसके वजह से जस्ट अब मेरे पास ज़्यादा वक्त है नहीं, जा ही रहा हूँ बस जुमे की नमाज़ के लिए उधर। अभी दोपहर के बज रहे हैं, 3 बजे के करीब, सभी लोग तो सो रहे हैं, बट हमें एक शूट करनी थी रील, उसके वजह से मुझे जाना पड़ रहा दोस्त के रूम पे। हॉस्टल की जद्दोजहद ऐसी रहती है, रूम खाली कराया भाई ने अपना, जो लोग थे 2-3 उनको भगा दिया है शूट करने के लिए। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था बट कुछ पॉइंट उसमें अटक रहा, टॉपिक तो मैंने क्लियर कर लिया है बट वो जो कुछ लाइन्स होती है ना, मैं हमेशा लाइंस ऐसे ढूंढता हूँ जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो। सो गाइस अपना रील वगैरह शूट करके हो चुका है, जाके एडिट करते हैं, उसके बाद फिर असर का वक्त हो जाएगा, नमाज पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो इफ्तार जो है रूम पर ही करेंगे, बाहर नहीं जाना है। 40 से 50 मिनट लग गया हमें रील को शूट करने के। आज इफ्तार जो है मैं और मेरे जो सीनियर रूममेट है वो लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह अपने दोस्तों को। वैसे तो इस हॉस्टल में अपने सिर्फ एक नबियारी रहता है जिसके रूम में आके हमने शूट किया। सारा मसला हॉस्टल में ना जगह का ही रहता है भाई, जगह ढंग की मिल जाए तो वीडियो शूट कर ले, अदरवाइज बड़े मसले मसाइल होते हैं। खैर कोई नहीं, जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुक रहे हैं उनसे नहीं। क्या इसमें बेहतरीन सुभान अल्लाह वाली प्यास लगेगी इस धूप में। सो गाइस असर का वक्त हो गया, हल्की हल्की धूप भी देख सकते हैं आप कम हो गई है, और मैंने साकिब और आसिफ भाई को भी इन्वाइट कर लिया।
चुके हैं, हम लोग फिलहाल जा रहे हैं इफ्तार का सामान लाने के लिए। देखिए आसिफ भाई नौटंकी किए, तब से आगे मुझे डिस्टर्ब किए हुए हैं। कितना टाइम बचा है? हमें जल्दी जल्दी बाइक उठानी पड़ेगी वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था असल में, रील जो मैंने शूट की हुई थी वो क्लाइंट की वीडियो थी, इसलिए मुझे जल्दी अपलोड करनी थी। बैठ जाइए नौटंकी में। आज हमें ज्यादा सामान नहीं लेना है, सिर्फ लेना है अंगूर, पपीता, खरबूजा और पकौड़े बस। 40-40 एक किलो ले। हाँ, एक किलो एक किलो कर दीजिए। और भयंकर वाली भीड़ आपको दिख रही होगी यार। अंगूर भी लेना ना चाचा? अंगूर कर दीजिए और तरबूज कर दीजिए। अंगूर कैसे है? एक किलो कर ले। एक किलो ले मगर खराब ना रहे थे। दोनों मिक्स कर दो, एक किलो इसकी जलेबी कर दो। चलो अपना सारा सामान वगैरह लेकर हो चुका है, अब जा रहे वापस हॉस्टल जल्दी से। हाँ। कटाई पटाई करें। जलेबी इसको बांध दीजिएगा से, ठंडा हो जाएगा। अंदरूनी मुल्क से लोग रमजान मनाने आ रहे हैं। गया होगा अगर सरकार ने लाइट मेरी वाली आवाज गई होगी। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके लाए, लाइट भी आ चुकी है। वैसे ये लोग सूखे हुए कपड़े की तरह सूख रहे हैं। उधर बन रहा है अपना फ्रूट क्रीम, इधर शरबत घोल रहे हैं शफिया लंबा है, और फल कट रहा है। साकिब भी आ चुका है और आते ही फोन चार्ज पे लगा डाला। सायरन बज चुका है, टाइम हो गया है, बैठे सब लोग। लीजिए आशीष भाई जल्दी से, बस सब लोग बैठ गए, बस अब रोजा खोलते हैं, उसके बाद फिर बाकी वॉक कंटिन्यू बाद में करेंगे। अपना रोजा वगैरह खोल के हो चुका है, अब जा रहे हैं हम नमाज पढ़ने के लिए। रोजा वगैरह खोल के हो गया है, ठीक है भाई, अपना अपना तरीका होता है। ये इमरान खान का तरीका है, इमरान खान इस टाइम खान। अरे आ गया भाई, आ गया यार, जा रहे नमाज पढ़ने। फिर क्या नाम है भाई? साद। अच्छा साद, पूरा क्या नाम है? साद अहमद। ठीक है, अरे नौटंकी नहीं, ठीक है, अब जा रहे नमाज पढ़ने, मिलते हैं ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अखलिया। अपना रोजा वगैरह खोले, तुम चना निकलवा दो, मैंने शर्ट वाला भाई था, फैन बंद कर दे, नहीं अभी गर्मी होगी मगर। चलो बहुत सारे सामान हो गया से भाई। जलेबी